आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव लग रही है मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। लो फिर से टावर, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी उन सब का एंड होने वाला है। अब आप बहुत ज्यादा फोकस्ड काइंड के पर्सन बन गए, मतलब इस टावर मूवमेंट ने, इस नेगेटिविटी ने आपको टोटल चेंज करके रख दिया है। आप अब खुद पे फोकस करने लगे हैं, इंडिपेंडेंट काइंड के पर्सन बन गए। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन चल भी रही है ना, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपको कितना उन्होंने मेंटली चेंज कर दिया इस नेगेटिव सिचुएशन में। ठीक है, वो तो अभी कार्ड्स देखेंगे तो और आपकी एनर्जी पता चलेगी। फूल, कह ही रही हूँ जितनी भी नेगेटिविटी थी, टावर जो कार्ड आया था उसके बाद एकदम नेगेटिविटी के साथ एकदम अब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। आपकी लाइफ जीरो से फिर से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव शिफ्ट आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं इस वीक में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव शिफ्ट क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में पता है आपको? यूनिवर्स आपके साथ है, आपने प्रेयर्स बहुत ज्यादा की हैं। वही होता है ना, जब आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें आती है ना, तभी आप भगवान से प्रेयर्स करते हो, है ना? तो आपकी प्रेयर्स सुनी गई है, भगवान आपके साथ है। आप स्लो तरीके ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, वापस से अपनी लाइफ को जीरो से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपकी चीजें बहुत उलझी हुई थी, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, किस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब बहुत उलझी हुई टाइप की चीजें थी। इस एट ऑफ वॉन्स कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया कि आपकी एक एक चीज अलाइनमेंट में आ जाएगी इस वीक में। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, थोड़ा स्लो तरीके से ही आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे तो बढ़ रही है। एटलीस्ट आप स्टक तो नहीं है, कई लोग तो स्टक रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं है। धीरे धीरे इसे ही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, जीरो से आपने शुरुआत की है तो आप आगे तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, ऐसे ही अपना ट्रस्ट बनाए रखिए यूनिवर्स पे, वही आपके साथ है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखना चाहूंगी कि वो किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल। अगर आपने शुरुआत की है अपनी लाइफ की तो वो किस एनर्जी में है, उनकी थिंकिंग क्या है। देखिए कितने इंटरेस्टिंग कार्ड निकल के आया। आप अगर यूनिवर्स से कनेक्टेड है ना, आपने अपना कनेक्शन भगवान से बनाया है ना, तो आपके पर्सन उससे पहले स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए। वो सोचने लगे कि वो उनको अपनी लाइफ में को कैसे लीड करना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए। कुछ लोगों के पार्टनर या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं, या भगवान से में भी वो कनेक्शन बना रहे हैं, आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है विथ नाइट ऑफ पेंटिकल है, ऑफर देना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो पोजीशन है, सोच रहे हैं कि कब दें आपको ऑफर, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, बट उनके माइंड में क्लैरिटी तो आ गई है, ऑफर देना है तो आपको ही देना है। लवर्स कार्ड भी आ गया है, आपके साथ ही वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंग निकल के आई है, आप देखेंगे यहाँ यूनिवर्स है, यहाँ यूनिवर्स है, दोनों ही मिलाने का काम आपको कर रहे हैं। जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर यूनिवर्स से ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो तो उनका काम है ही आप दोनों को मिलाना। ऑफर लेके वो आपके पास उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया है, वो आज नहीं तो कल आपके पास पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में सबसे मेन चीज क्लैरिटी आ गई है। ये लवर्स कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि यूनिवर्स से आप दोनों को मिला रहे, और यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, इनके माइंड में कंफ्यूजन था। यहाँ देख रहे हो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, बट यूनिवर्स ने जो ऑप्शन दिया उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। और यूनिवर्स ने किसका ऑप्शन दिया है आपके पार्टनर को? आपका, समझ रहे हो ना? इस वजह से वो आपके पास आ रहे हैं। क्लैरिटी आ गई है माइंड में, कैसे आई है? स्पिरिचुअलिटी की वजह से। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, यूनिवर्स को। ठीक है, और देखते हैं क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं इस वीक में। ये तो उनके बैक ऑफ द माइंड चीजें क्लैरिटी उनको हुई है, वो नजर आया है। एक्शन रिलेटेड कार्ड देखते हैं, एक्शन देंगे। देखिए मैं कह ही रही थी जब ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था कि बहुत स्लो मोशन है, वो बहुत स्लो तरीके से आपके पास ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। मे बी आपको कोई बहुत छोटा सा मैसेज कर सकते हैं, मतलब मेजर कोई कम्युनिकेशन होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटा मोटा कम्युनिकेशन आपका इस वीक में उनसे हो सकता है। एक पेंटिकल को एक ही पर्सन कितना पकड़ के बैठे हुए है, मतलब जैसे कि कोई ऑफर है, वो इस ऑफर को किसी और को नहीं देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, है ना? पकड़ के बैठे हुए एक ही पेंटिकल को। ठीक है, तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है, टाइम जरूर लग रहा है आई नो, लेकिन सब्र का फल मीठा ही होता है। सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ रहे हैं वो आपके पास ऑफर लेके।
फिर थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मैं बता चुकी हूँ कुछ लोगों के पार्टनर के माइंड में इस वजह से कंफ्यूजन चल रहा था क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत थे और कुछ लोगों के पार्टनर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी मैं किसी पर्सन का नहीं बोलूंगी लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिन्होंने इनके माइंड को डाइवर्ट करके रखा था, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, इन्होंने जब से अपना कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से बनाया है, जब से अपना कनेक्शन भगवान से बनाया है, इनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है और इस वजह से वो ऑफर आपको ही देंगे, ठीक है। मून देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल एंड सन, ओके। माइंड में तो पहले इनके मैं बता रही हूँ कुछ लोगों ने इनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके रखा था, जस्ट अब भी मैंने बोला थ्री ऑफ पेंटिकल को देख के कुछ लोगों की वजह से इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी। ऑफर आपको देना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते। वही कार्ड यहाँ निकल के आ गया, इन तीनों कार्ड की समरी इस कार्ड ने डिफाइन कर दी। सर पे रख लिया, हाथ पे रख लिया, दोनों पैर पेंटिकल पे रख लिया, भाई पेंटिकल कहीं जाना नहीं चाहिए, साइड में तो रखा ही नहीं कि कोई उठा के ना ले जाए, है ना। तो मीन्स इतना ज्यादा फोकस्ड है ऑफर को लेके, पेंटिकल को लेके, आपको देना है ऑफर, समझ रहे हो ना। कितना अच्छा कार्ड निकल के आया है। अब थर्ड पर्सन, अब कोई भी लोग आ जाए, इनके माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता है इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी खुशियां आपसे हैं, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सब कुछ वो आपके साथ देखते हैं। सन कार्ड आ गया है, आप दोनों के बीच में वापस से रियूनियन होगा, वापस से खुशियां आएंगी। और एक चीज मैं बता दूं, लवर्स कार्ड के साथ सन पहले ही यहां आ चुका था, इसका मेजर कार्ड अब निकल के आ गया लास्ट में रीडिंग के, ठीक है। सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब मैं लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगी आपको एज अ गाइडेंस, क्या फॉलो करना है इस वीक में। टेन ऑफ सॉर्ड विथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए सिंपल सा गाइडेंस है कि आप सबसे पहले ओवरथिंक करना बंद करिए। अगर किसी नेगेटिव चीजों से आप डील कर रहे हैं तो आप उससे बाहर निकल के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दीजिए। मुझे पता है आप रिस्पॉन्सिबल काइंड के पर्सन है लेकिन कुछ टाइम से ना आप अपनी नेगेटिविटी से ही डील कर रहे हैं। जो टावर कार्ड स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही निकल के आया था ना, आप उस टावर से ही डील कर रहे हैं, नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, ओवरथिंक से डील कर रहे हैं। उठिए इन सब चीजों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और रही बात आपके पार्टनर की, तो वो कहीं नहीं जा रहे, मैंने आपसे बोल ही दिया, टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप अपने ऊपर तो काम करना शुरू करिए, तब तक आप इस टेन ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में रहेंगे, अपना ही लॉस कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। एक कार्ड और निकालना चाहूंगी मैं लास्ट आपके लिए स्पेशली, क्योंकि मैंने टेन ऑफ सॉर्ड देखा ना तो मुझे थोड़ा सा लगा कि आपकी सिचुएशन ना फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रही है, है ना। जरूर यहाँ पे फूल कार्ड आया था, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बैक ऑफ द माइंड आपके तो टावर ही चल रहा है, नेगेटिव थॉट ही चल रहे हैं। किंग ऑफ कप्स विथ हाई प्रीस्टेस, आपका कप आपके पार्टनर ही फूल करेंगे। बस अपना इंट्यूशन स्ट्रांग करिए, जितना जल्दी आप अपना इंट्यूशन स्ट्रांग कर लेंगे उतना जल्दी खुशियां आपका वेट कर रही हैं। जैसे आपके पार्टनर ने इंट्यूशन स्ट्रांग किया ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके, वैसे आप भी अपना कनेक्शन बनाइए स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से कनेक्शन बनाइए, इंट्यूशन स्ट्रांग करिए, सारी चीजें आप जैसा चाहते हैं वैसा अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगी।